हेलो एवरीवन, चलिए आज की बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेलोसिटी टाइम डायग्राम, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वैसे इसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट से जो बुक्स में कवर नहीं होते हैं, और मैं देखता हूँ कि बच्चे हायर क्लासेस में आने के बावजूद वो मिसकंसेप्शन के साथ जीते हैं तो आगे फंस जाते हैं। तो वी शैल सी सेवरल थिंग्स अबाउट इट। क्या है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम? मतलब कोई पार्टिकल का अगर वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी का पूरा नाम क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नहीं बदल रहा है। तो कोई पूछेगा बताओ t = 1 सेकंड में क्या वेलोसिटी था, t = 2 में क्या था, t = 3 में क्या था, यू हैव टू गिव ए लॉन्ग डाटा। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें t = 1 में मान लो ये वेलोसिटी, t = 2 में मान लो ये वेलोसिटी था, t = 3 में मान लो ये वेलोसिटी था, t = 4 में ये था, तो I can join them and now किसी को किसी भी समय में चाहिए, in between ये टाइम पे भी चाहिए, तो he can get the velocity। समझ में आ रहा है? This is velocity axis, this is time axis। अलग अलग समय में अलग अलग वेलोसिटी था। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस डायग्राम का? ऑब्जेक्टिव ये है कि टू नो द वेलोसिटी एट डिफरेंट इंस्टेंस। सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हाँ ये 6 है, अलग अलग समय पे वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 ऐसे करके था, अलग अलग समय में अलग अलग वेलोसिटी था। तो ये ऐसा एक डायग्राम को हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम कहेंगे। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। It is point number one. It is the graph representing variation of instantaneous velocity. Instantaneous velocity. ठीक है, से ग्राफ रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। द वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम ऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, एंड टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, हाँ ये भी समझ में आया। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अगर हम कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ किए हैं जो कि दिखने में कुछ इस किस्म का है, ये है वेलोसिटी एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस। कोई पूछेगा t = t1 ये टाइम पे वेलोसिटी क्या था, तो आपको क्या करना है t = t1 में वेलोसिटी जानने के लिए, पहले आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब करेस्पोंडिंग टू दिस टाइम द वेलोसिटी हियर वाज v1। अलग अलग समय में वेलोसिटी अलग अलग है। तो पहला चीज तो पता चला कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम डायग्राम वी कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, कौन सा समय में क्या वेलोसिटी था, कब ज्यादा वेलोसिटी था, कम वेलोसिटी था, है ना, ठीक है, ये पता चल गया। अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटी पता कर सकते हैं। अब सोचो हम इसमें वेलोसिटी को ड्रॉ कर रहे हैं और वो भी टाइम के साथ, नहीं क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है? नहीं, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब ये डायग्राम क्या इधर कहीं रहेगा? इधर रहेगा तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा। इट कैन नॉट बी इन दिस क्वाड्रेंट और इन दिस क्वाड्रेंट, टाइम नेगेटिव नहीं है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो वेलोसिटी नेगेटिव रहेगा। नहीं, नेगेटिव होता है क्या वेलोसिटी? हाँ, वेक्टर है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होता है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? समथिंग इज मूविंग विद से 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, अनदर थिंग इज मूविंग विद -2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। -2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट मींस 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ अपोजिट डायरेक्शन। तो हम यहां पे पॉजिटिव वेलोसिटी को इंडिकेट करेंगे, यहां पे नेगेटिव वेलोसिटी को इंडिकेट करेंगे। यहां पर अगर कोई डायग्राम रह गया तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब यहां पर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है यहां पे वेलोसिटी उसका उल्टा डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में देने जा रहा हूं, यहां पर अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस क्वाड्रेंट में हुआ तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा सारा मोशन का वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम कर सकते हैं जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी या तो एक डायरेक्शन में या फिर दूसरा डायरेक्शन में, कोई तीसरा डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी मींस इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव वेलोसिटी मींस इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अगर हम कहेंगे कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा है कभी तो कभी ऐसे जा रहा है, हाँ, तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर दिखाएंगे, ये वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे तो नीचे दिखाएंगे, अलग अलग समय पे। नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। आर यू गेटिंग? सपोज इसका मतलब हुआ कौन से मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम कर सकते हैं, वो सारा मोशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें वेलोसिटी या तो एक डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट इज मिसिंग इन ऑल बुक्स, सारा एग्जिस्टिंग बुक्स में मिस कर रहा है। वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं? ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई चीज अगर ऐसे करके गया, अगर हम ये वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे तो ये वेलोसिटी को क्या लेंगे? ये तो अपोजिट डायरेक्शन है नहीं, वी कैन नॉट शो इट इन दिस वेलोसिटी टाइम डायग्राम। समझ में आ रहा है? व्हेन आई से वेलोसिटी आई मीन द वेक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ओनली। समझ में आया क्या? तो वो वर्ब कैसे हुआ? तो वो वर्ब कैसे हुआ? अरे ये मोशन थोड़ी है, ये है पार्टिकल का मोशन। कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, कभी उसका वेलोसिटी ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है। तो ये वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, इसको क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे? मतलब ये मोशन को हम ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते। कौन सा मोशन को ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? तो लिखेंगे पहला चीज कि वीटी डायग्राम कैन बी ड्रॉन, दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा चलो लिखते हैं। हाँ, अगर स्पीड टाइम डायग्राम होता तो कर लेते, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, और वो नेगेटिव भी नहीं होता, हरदम पॉजिटिव होता है। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर टू में दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन along straight line, ठीक है। बुक में जब वो देता है velocity time diagram, ये पार्ट को मिस करता है। समझ में आया क्या? ये डायग्राम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली फॉर मोशन along straight line। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और पूछता हूं इन फॉलोइंग केसेस, In following, in which of the following cases, velocity versus time diagram can be drawn? तो मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूँ, ये एग्जांपल है। तो कहेंगे कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम हो सकता है? यहाँ से कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंके, ऊपर गया और नीचे आया, यहाँ से कोई बॉल को ऐसे फेंके, ऐसे गया, ऐसे गिरा, या फिर कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ ब्लॉक ऐसे ऐसे झूम रहा है। तो क्या आप बता सकते हो इसमें से जो इतना सारा केस में आपको दिखाया
कौन कौन सा केस में बीटी डायग्राम ड्रॉ हो सकता है। चलो देखते हैं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। क्या ए के केस में वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? नो, ये नॉट स्ट्रेट लाइन, ये नहीं हो सकता। ये यस सर, यस, ये नो सर, यस सर, नो नो नो, इट इज मूविंग इन अ कर्व पाथ, स्ट्रेट लाइन में होगा तो करेंगे। ये ऑसिलेटरी मोशन कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम? यस सर, यस, स्ट्रेट लाइन में तो हो रहा है, यस कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो बेसिक समझ में आया कि कौन सा केस में हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाय, ये दोनों पॉइंट हम लोग समझ गए। तीसरे पॉइंट में चलते हैं, धीरे धीरे ले रहा हूं, सारा चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। ये जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, इसमें से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? एक तो हुआ, किसी भी समय पे कोई वेलोसिटी पूछेगा तो हम बता सकते हैं, है ना। और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है तो थोड़ा समझते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है। सपोज किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, और मान लो कि ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। डाटा क्या दिया गया है? डाटा दिया गया है कि ये समय पे टाइम टी वन हुआ था, ये समय पे टाइम टी टू हुआ था। सपोज ऐसे करके डाटा दिया हुआ है, ये समय में वेलोसिटी वी वन था, ये समय में वेलोसिटी वी टू था। ये वी वन था, ये वी टू था, ये टी वन था, ये टी टू था। हमें कोई पूछेगा ये लाइन का स्लोप क्या है, कैसे निकालेंगे स्लोप? स्लोप कैसे निकालते थे? टान थीटा, याद है क्या? यस, तो हमें ये लाइन का स्लोप निकालना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना एंगल कर रहा है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या देगा? टान थीटा, है ना। अब अगर टान थीटा निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या था? पी वाई वी। पी क्या है? सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, एसोसिएटेड स्मॉलर साइड को बेस कहते हैं। ये पी है और ये बी है, तो इट इज पी बाई बी। क्या आप पी का वैल्यू बता सकते हो? पी कितना? देखो यहां से यहां तक बी टू है, यस, बी टू माइनस बी वन, और बी कितना है? 32 माइनस बी वन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या मिल रहा है इसमें? देखो तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना। दैट मींस द स्लोप इज गिविंग यू द एक्सीलरेशन। तो क्या देखें? When you calculate the slope is tan theta, you find it is representing change in velocity by time, that is acceleration. तो हम क्या कहेंगे? Slope of v versus t diagram gives acceleration of the particle. समझ में आया क्या? है ना, स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन दो किस्म का होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब स्लोप कांस्टेंट। किसका स्लोप कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन की कर्व, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का वीटी डायग्राम इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? तो हम यहां पे देखेंगे, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, द स्लोप ऑफ वीटी डायग्राम इज कॉन्स्टेंट। देखो, डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। डायग्राम कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में जो डायग्राम होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, है ना। अब स्ट्रेट लाइन होता है तो कुछ भी हो सकता है। चलो थोड़ा देखते हैं, अगर हम कहेंगे कोई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, तो अब क्या कहोगे?
ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है। देखो तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, समय के साथ वेलोसिटी बढ़े जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी भी बढ़ते जा रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, विल कॉल इट एक्सीलरेशन, है ना। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा सपोज वीटी डायग्राम दिखने में ऐसा है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, डायग्राम ऐसा है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। हम जानते हैं कि वीटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन हुआ तो स्लोप कांस्टेंट है, तो इस केस में वेलोसिटी बढ़ रहा था कि घट रहा था, घट रहा था, मतलब ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था, तो क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा अगर कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में, कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में थोड़ा सा दूसरी किस्म का है, कैसा है, सपोज ये डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है, दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, अब क्या कहोगे, ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था, कुछ भी नहीं था, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग व्हाट यू कॉल, इज इट एक्सीलरेशन मोशन, नो इट्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, हम कहेंगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन कितना होता है, व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज जीरो, है ना। तो इसको भी हम स्पेशल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बता सकते हैं, जहां पर एक्सीलरेशन हर जगह जीरो है, यहां पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहां पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। समझ में आया क्या, ये चीज हम लोग देख ली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, स्लोप नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप जीरो है तो आप कहोगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ये था बात यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। अगर हम बात करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस, जब एक्सीलरेशन डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस हुआ तो स्लोप विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। अगर कोई एक ग्राफ है जिसका अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, कर्व होगा, है कि नहीं। तो अब हमें पता चल गया कि अगर वीटी डायग्राम देखने में कर्व जैसा दिख रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। समझ में आया, तो चलिए देखते हैं बिट नंबर टू में, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन द वीटी डायग्राम, वीटी डायग्राम इज ए कर्व। अच्छा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बहुत किस्म के होते हैं, मैं दो ठो सिंपल केस लेता हूं, एक केस लेता हूं ये वाला, सोचो थोड़ा, मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं एक केस लेता हूं ऐसे, ओके जस्ट मिनट, ये दूसरा दूसरा केस है ना, और चलो मानते हैं ये तीसरा केस, और ये मानते हैं चौथा केस, देयर आर फोर केसेस बीइंग कंसीडर्ड हियर, चारों केस को कंसीडर करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी रखने के लिए, वी शैल कीप लिटिल मोर नॉलेज अबाउट इट। पहला केस ये वी है, ये टी है, सपोज हम कहेंगे ऐसा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, व्हाई, बिकॉज़ द स्लोप इज डिफरेंट, स्लोप इज डिफरेंट, है ना, स्लोप इज डिफरेंट, डायरेक्शन के साथ कोई मतलब नहीं है इसमें, क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट। अगर कोई ग्राफ आपको ऐसे दिया गया है, ऐसे एक ग्राफ दिया गया है, आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द स्लोप हियर, आप कैसे निकालते हो, यू ड्रॉ ए टेंजेंट, टैन थीटा इज द स्लोप, है कि नहीं। अच्छा ये पॉइंट में स्लोप कितना है, ड्रॉ ए टेंजेंट, टैन थीटा इज द स्लोप। देखो तो पोजीशन वन के लिए स्लोप ज्यादा है कि पोजीशन टू के लिए स्लोप ज्यादा है, ये थीटा टू है, ये थीटा वन है, सर पोजीशन वन, अरे थीटा बढ़ने से टैन थीटा बढ़ता है, अब थीटा वन बढ़ा है कि थीटा टू बढ़ा है फिगर में, थीटा टू इज मोर,
थीटा टू अगर ज्यादा है टैन थीटा टू ज्यादा है, मतलब पॉइंट टू का स्लोप ज्यादा है कि पॉइंट वन का स्लोप ज्यादा है, पॉइंट टू का स्लोप ज्यादा है, मतलब ये कर्व का अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप है। हाँ, अगर ये समझ में आ गया तो चलो पहले हम देखते हैं कि ये जो मोशन है यहाँ पर वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब पहला वाला कर्व में देखो ध्यान से वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सीलरेशन है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट मतलब बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, हमें बता रहा है कि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। एक्सीलरेशन इज गिवन बाय द स्लोप। हम देखेंगे ये पॉइंट में स्लोप कितना था भैया, ये पॉइंट में थोड़ा हम अगर देखेंगे ये पॉइंट में स्लोप देखेंगे तो यहाँ पर एंगल ये था, ये पॉइंट में आया तो एंगल बढ़ गया कि घट गया, एंगल घट रहा है, अगर एंगल घट रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, तो हम क्या कहेंगे इस केस को, इस केस को हम कहेंगे इट इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। हम देख रहे हैं कि यहां पर एक्सीलरेशन बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, डिक्रीज कर रहा है भैया। अच्छा तो बताओ ये केस में क्या हो रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब एक्सीलरेशन बदल रहा है, बदल रहा है मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ। घट रहा है। देखो तो शुरू शुरू में एंगल ज्यादा था, धीरे धीरे एंगल घट रहा है। अच्छा ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, पहले बताओ। वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है मतलब रिटार्डेशन है कि नहीं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी घटने लगा है, सो ये रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। पहले पहले एंगल ज्यादा होता था, अब एंगल कम है, मतलब स्लोप पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे समय के साथ स्लोप घटते जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। समझ में आया क्या? रिटार्डेशन तो है लेकिन समय के साथ घट रहा है, ये चीज पकड़ में आना बहुत जरूरी है। क्या ये दो स्टेटमेंट सबको समझ में आया? व्हाई इट इज रिटार्डेशन? बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अच्छा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? बिकॉज इट इज नॉट ए कर्व, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके रिटार्डेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? फिर हम देखते हैं स्लोप, स्लोप देखो धीरे 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 एंगल घटने लगा है ना, एंगल घटने लगा है मतलब स्लोप घटने लगा है, टैन थीटा होता है स्लोप, थीटा बढ़ेगा तो टैन थीटा बढ़ता है, तो ये एंगल घटने लगा है, एंगल घटने लगा है मतलब रिटार्डेशन घटने लगा है। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ या ना? हाँ तो रिटार्डेशन लिख रहा है ना, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन है कि नहीं? अगर हम लिखते एक्सीलरेशन तो लिखते नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन घट रहा है। अरे भाई शुरू में आप यहाँ पे थे, समय बढ़ने लगा, जैसे जैसे समय बढ़ने लगा पहले देखो तो एंगल ज्यादा था, फिर एंगल घटने लगा है, और यहाँ पे आओगे तो एंगल और भी कम हो जाएगा। स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग मींस एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन है यहाँ पर, और दैट इज व्हाट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग है कि नहीं? नेगेटिव एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग मतलब हम कहेंगे नीचे डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। अच्छा बताओ ये केस में क्या होगा? अब ये दो काम मैं आपको देता हूं, ये दोनों केस में आपको बता रहा है कि क्या है। कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द केस हियर? पहले बताओ एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? ये वाला केस में एक्सीलरेशन, कैसे पता चला? वेलोसिटी बढ़ रहा है, हाँ एक्सीलरेशन है। अच्छा एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यस यस यस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। अब देखना है कि एक्सीलरेशन तो है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है बताना है, तो कैसे चेक करेंगे? स्लोप को चेक करेंगे, पहले ये छोटा एंगल करता था, फिर ये बड़ा एंगल करने लगा है, मतलब एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यस, तो क्या लिखेंगे? इट इज इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, है ना? ठीक है, आखिरी केस आपके लिए छोड़ रहा हूं, अब बता दोगे
क्या होगा, ये एक्सीलरेशन है कि रिट्रैक्शन है? नॉन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म रिट्रैक्शन है, मतलब रिट्रैक्शन बदल रहा है। बदल रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? शुरू शुरू में देखो तो एंगल कितना छोटा था, एंगल बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, है कि नहीं? तो आप कहोगे इंक्रीजिंग रिट्रैक्शन और डिक्रीजिंग रिट्रैक्शन। इंक्रीजिंग रिट्रैक्शन। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। सर थीटा तो उस साइड में लेंगे ना? अरे इसलिए तो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। सर उस साइड में लेंगे ना? उस साइड पे लेंगे, एक्सीलरेशन मिलेगा, नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना? अच्छा, तो हमें कोई कहेगा कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो क्या करना है? स्ट्रेट लाइन। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन के लिए क्या करना है? डायग्राम ऐसे बनाना है। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, तो डायग्राम को ऐसे करना है। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, तो आपको क्या करना है? ऐसे करना है। डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, तो ऐसे करना है। क्या आपको समझ में आया? हाँ, चलिए, अगर ये सारा चीज आपको समझ में आ गया, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ जो आप करोगे। लेट्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉ डायग्राम, ये ठीक है, ये ऐसे ठीक है, और ये एक्सिस में मैं दिया वेलोसिटी और इधर में दिया टाइम। मैं ढेर सारा डायग्राम यहां पे ड्रॉ करना चाहता हूं। कैसा कैसा डायग्राम? एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम, ध्यान से देखना, आप लोग बता सकते हो इसको, और एक ऐसा डायग्राम। सबको नाम दे दिया, ए, शुरू करते हैं यहाँ से, ए बी, बी कौन सा है? ये वाला बी, ये हो गया सी, है ना? सी कौन सा है? सी ये वाला है, इसको थोड़ा खींचो, ये सी। अच्छा, फिर क्या दे दिया नाम? इसको दिया डी, इसको दिया ई, इसको दिया एफ, इसको दिया जी। ऐसे करके ढेर सारे वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपके सामने रखे गए हैं और आप उनको पहचानना है, नेमिंग करना है। मैं यहाँ पर कुछ नेमिंग लिख रहा हूं, जैसे पॉइंट नंबर वन में है इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन, और आखिरी में दे दिया कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब आपको हर एक के साथ चुन चुन के बताना है, ए वाला कौन सा है, बी वाला कौन सा है, सी वाला कौन सा है, डी वाला कौन सा है। क्या आप लोग मैच कर सकते हो ये दोनों कलम को? ए के साथ कौन मैच करेगा, बी के साथ कौन मैच करेगा? जैसे मैं एक तो डिफिकल्ट वाला बता देता हूं, कौन सा? ए, ए कौन सा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ए स्टैंड्स फॉर 7। एक डिफिकल्ट वाला मैं बता दिया, बाकी आसान सब आप बताओ, है ना? ये डिफिकल्ट वाला था क्या? ये सब नहीं, नहीं, आप पहले तैयारी करो, पहले तैयारी कर लो, फिर डिस्कशन करेंगे। सारा आप जोड़ो, आपको ये साइड में लिखना है कौन सा क्या है। ए का तो मैं बता दिया, ए का हो गया 7, ए का हो गया 7, ए स्टैंड्स फॉर, हाँ मेरे कलम है, ए हो गया 7, ठीक है। बाकी के लिए कौन सा क्या होगा आपको बताना है। ट्राई, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 1 के लिए क्या, 2 के लिए क्या, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए अब मैं करता हूँ, आप लोग ट्राई कर चुके हो, ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वो हम देख चुके हैं। चलो बात करते हैं बी का। बी में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़े जा रहा है समय के साथ साथ, मतलब एक्सीलरेशन है। और ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो हम कहेंगे बी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन,
नाउ गो फॉर सी, अरे ये तो वेलोसिटी घट रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ा वेलोसिटी घट रहा है, हाँ तो ये रिटार्डेशन है, लेकिन इट इज ए स्ट्रेट लाइन अगेन, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट रिटार्डेशन, सी इज फॉर कांस्टेंट रिटार्डेशन। हाँ चलो बात करते हैं डी का, डी के केस में वेलोसिटी बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है मतलब इट इज एक्सीलरेशन, बस देखना है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, शुरू शुरू में एंगल बड़ा था, इधर आते आते एंगल छोटा हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज टैन थीटा, स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो डी रेफर्स टू डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ऐसा है। अच्छा नाउ ई, ई में क्या है, ये भी एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन पहले एंगल छोटा था फिर एंगल मोटा हो गया, थीटा बढ़ेगा तो टैन थीटा बढ़ेगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन ई है। अच्छा अब इसके बाद आता है एफ और जी, ले लेते हैं जी, जी एफ ले लेते हैं, एफ ले लिए, एफ ले लिए तो यहां पे वेलोसिटी घट रहा है मतलब रिटार्डेशन है, लेकिन ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज ए कर्व, से नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है जानने के लिए देखेंगे शुरू शुरू में छोटा एंगल था बाद में बड़ा एंगल होने लगा है, सो इट इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन इज एफ, और जो चालाक लोग हैं वो जी के लिए क्यों ढूंढेंगे, जो बच गया वहीं बैठा देंगे, नहीं क्या हो गया ये हो गया जी, वैसे भी ये डिक्रीजिंग रिटार्डेशन का है। क्या आप लोगों का सारा आंसर सही आया? यस, तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। खैर तो हम लोग अभी देख लिए कि इन वेलोसिटी टाइम डायग्राम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम डायग्राम गिव्स द एक्सीलरेशन, नाउ वी शैल गो फॉर नेक्स्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अब सोचो कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, ठीक है, और कोई पूछा कि t इक्वल टू टी वन पे वेलोसिटी वी वन था, और जब t इक्वल टू टी टू हुआ तब वेलोसिटी कुछ दूसरा वी टू था, ये वी टू था, अब मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज दिस एंटायर एरिया, एरिया अंडर द डायग्राम मैं निकालना चाहता हूं, लेट मी सी व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, टू नो द एरिया पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा ऐसे रेक्टेंगल लेता हूं, ये छोटा सा रेक्टेंगल का मान लो ये थिकनेस है dt, छोटा सा टाइम dt, स्मॉल इंटरवल कर लिया, यहां पर कोई एक वेलोसिटी होगा, ये जो रेक्टेंगल है इसको अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, दिखेगा कि नहीं, अगर ये रेक्टेंगल का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे दिस इज दिस एरिया प्लस दिस एरिया, है कि नहीं। अच्छा अब ध्यान से सोचना, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, इट वाज द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, कोई पर्टिकुलर समय में वेलोसिटी भी था, नहीं उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते थे, निकालते कैसे थे उसको, अगर उस इंस्टेंट के आसपास एक छोटा सा टाइम लेंगे, वो छोटे से टाइम में उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट बाय दैट टाइम इज द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, है कि नहीं, तो अगर हम टाइम छोटा लेंगे तो ये जो छोटा ले लेंगे तो सोचो कि हम एक छोटा सा टाइम पे छोटा ले रहे हैं, ये डायग्राम कैसे दिखेगा, आप ऐसे दिखेगा, है कि नहीं। अब भी अगर एरिया निकालने के लिए कहेंगे तो आप कहोगे ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ना, ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रायंगुलर पार्ट, है कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज द एरिया, जब मान लो कि अभी मैं इसको दोबारा ऐसे कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको, सपोज हम कहेंगे ये एरिया निकालना है कब, व्हेन dt इज स्मॉल, तो हम कहेंगे ये ट्रायंगुलर पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस, है कि नहीं, रेक्टेंगुलर पार्ट, ये ट्रेपेजियम बना था उसका रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया ज्यादा है, ये पार्ट का एरिया बहुत छोटा है, कब, व्हेन dt इज वेरी स्मॉल, तो कोई पूछेगा एरिया कितना है, तो यहां का वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया dt, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, v into dt, है कि नहीं, व्हाट आर द एरिया रिप्रेजेंट, v dt, मतलब dt सेकंड में कितना दूर गया था, v into dt क्या देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यानी छोटा सा टाइम इंटरवल, है कि नहीं, तो दिस स्मॉल एरिया इज रिप्रेजेंटिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट,
और मैं कह सकता हूं कि जो टोटल एरिया है इसके अंदर दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, है कि नहीं, सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को निकाल के जोड़ देंगे, विल गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या याद रखना है इसमें से, आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर हम एरिया निकालते हैं अंडर द डायग्राम दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम रिप्रेजेंट्स, मैं दोबारा फिगर बना लूंगा आपके लिए, रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम डायग्राम रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब एग्जांपल के लिए कहेंगे सपोज ये हमारा वी एक्सिस है, ये हमारा टी एक्सिस है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी ऐसे बदल रहा था, कभी वेलोसिटी ये था नहीं और कभी वेलोसिटी ये था, अलग अलग समय में वेलोसिटी अलग अलग था टी वन टी टू। और अगर मुझे पूछा गया कि यहां पर वेलोसिटी वी वन था, यहां पर वेलोसिटी वी टू था, हमें पूछा गया कि व्हाट डज द एरिया हियर रिप्रेजेंट, जस्ट मिनट, व्हाट डज द एरिया हियर रिप्रेजेंट, ये जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, ऐसे करके पूछा। तो क्या कहोगे, दिस एरिया इज से ए, तो आप क्या कहोगे, एग्जाम्पल में लिखोगे हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल, इन द इंटरवल कौन सा, टी लाइन बिटवीन टी वन टू टी टू ये समय में इज इक्वल टू एरिया ए। ये जो एरिया है ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कौन सा समय में, टी इज इक्वल टू टी वन से टी इज इक्वल टू टी टू के बीच में, इधर क्लियर। तो एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये एरिया यहां पे है और जहां पे की वेलोसिटी पॉजिटिव था, अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम नीचे होता, टाइम कर्व के नीचे होता तो वेलोसिटी नेगेटिव होता, तब एरिया क्या होता, नेगेटिव हो जाता। क्यों, क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी था उल्टा डायरेक्शन में था, पॉजिटिव वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को फिर से घटाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है क्या, कहने का मतलब है अगर मैं यही डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, सर एरिया नेगेटिव कैसे होगा, हां ये तो बता रहे हैं उसी में तो आ रहे हैं, एरिया कुछ नेगेटिव नहीं होता है लेकिन हमें उसको नेगेटिवली कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट घट रहा था, ये क्या दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, कितना टाइम में, टी वन टू टी टू में। अब सोचो मैं डायग्राम करके देखूंगा तो दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। सपोज आई गो फॉर अनदर केस, सपोज हियर इज ए वेलोसिटी टाइम डायग्राम जो दिखने में कुछ ऐसा किस्म का है, मतलब क्या, ये समय में मान लो कि ये टी वन है ये टी टू है, क्या बता सकते हो अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, कब कब पार्टिकल रेस्ट में था, कौन सा समय पे, दो टाइम दिया है ना, कौन सा टाइम पे पार्टिकल रेस्ट में था, टी वन, टी वन और टी टू, ये दोनों टाइम पे रेस्ट पे था नहीं। अच्छा तो ये समझ में आ रहा है, टी वन से पहले पार्टिकल अगर ईस्ट की तरफ जा रहा था, टी वन और टी टू के बीच में पार्टिकल किधर जा रहा था, T1 से पहले T इज इक्वल टू जीरो से T1 ये पीरियड में अगर पार्टिकल ईस्ट के तरफ जा रहा था, अगर पार्टिकल ईस्ट के तरफ जा रहा था तो T1 और T2 के बीच में पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा था, नहीं ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट मतलब टुवर्ड्स वेस्ट, इज दैट क्लियर। तो आप कहोगे ये पीरियड में ये पार्टिकल जा रहा था ऐसे, जब T इज इक्वल टू T1 हुआ उल्टा चलने लगा और रुका कब, t इक्वल टू t2 में, क्या मेरी बात समझ में आया, पार्टिकल t इक्वल टू जीरो से चलने लगा
चलते गया टी वन पे वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब उल्टा जाने लगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ये डायग्राम को पहले समझो, क्या देख रहे हो? पार्टिकल का वेलोसिटी शुरू में कुछ था जिसको आप यू कहते हो, कुछ वेलोसिटी था, वेलोसिटी कुछ था, धीरे 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 वेलोसिटी बदलते बदलते जीरो हो गया, नहीं? तो तब तक ये आगे की तरफ जा रहा था, वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, टी वन से जीरो से टी वन के बीच में हर समय वेलोसिटी पॉजिटिव था, मतलब जिस डिरेक्शन में था उसी डिरेक्शन में ही रहा, डिरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया। तो आप कहोगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, वेलोसिटी घट रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा था, कोई पहले 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, फिर 8 मीटर पर सेकंड में गया, फिर 6 मीटर पर सेकंड में गया, फिर जीरो हो गया, मतलब कंटिन्यूअसली जा तो रहा था, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा था। सो यू सी द डिस्प्लेसमेंट वाज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, कब तक? जब तक वो नहीं रुका। रुका कब? t = t1। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? देखो तो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव होता है तो आप अगर ग्राफ तो ड्रॉ करना सबको आता है, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब किधर जा रहा है? पहले जिधर जा रहा था कि उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उल्टा आने लगा। फिर से कब रुका? ना T2 पे, T2 करके रुक गया, तो कुछ दूर इधर गया, कुछ दूर इधर आया। डिस्टेंस पूछे तो शायद हम दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, क्या करेंगे? दिस डिस्प्लेसमेंट माइनस दिस डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट को हम S1 कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट को अगर हम S2 कहेंगे, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? S1 माइनस S2 अब पकड़ में आया। लेकिन S1 क्या है? S1 इज नथिंग बट द एरिया हियर A1, है कि नहीं? कैसे? अरे अभी भी तो पता है, एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम गिव्स यू द एरिया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम डायग्राम के नीचे जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी तो देखते हैं हम लोग। अरे व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट? इट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो उसी को लेके बोल रहे हैं कि ये एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम, दिस टाइम मतलब 0 से t1 के बीच में। तो S1 हो गया एरिया A1, S2 क्या हो गया? S2 इज एरिया A2, ये वाला एरिया, समझ में आया क्या? तो ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है। अगर हमको पूछा गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल t = 0 to t = t1 = area A1 डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल? t = t1 to t = t2 = area A2, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? A1 जिस डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में था, ये डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ? ये समय में ये इधर जा रहा था, ये समय में ये इधर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ? तो A1 गया माइनस A2 वापस आया, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? A1 डिस्टेंस गया इस डायरेक्शन में, फिर A2 डिस्टेंस वापस आया। A2 क्या है? एरिया अंडर द डायग्राम बिटवीन t = t1 to t = t2, समझ में आया? हाँ ठीक। अगर हम पूछेंगे आपको बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड, क्या बता सकते हो टोटल डिस्टेंस कितना गया? इधर गया A1 plus A2, मतलब पकड़ में आपको आने लगा है धीरे धीरे। सो द पॉजिटिव एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर होने से उसको पॉजिटिव एरिया कहते हैं, नीचे होने से उसको नेगेटिव एरिया कहते हैं। पॉजिटिव एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ में आया? बस ये चेक करने के लिए कि आपको समझ में आता है या नहीं आता, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल इज शोन, ऐसा दिया,
ठीक है, यहाँ पर दिया है 10, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये टाइम है ये सेकंड में, और यहाँ पे वैल्यू दिया है से -4, और यहाँ पे टाइम दिया है 8, यहाँ पे दिया है 12। ओके फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकेंड्स, बिट नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 12 सेकेंड्स, डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन 12 सेकेंड्स, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, और लास्टली ओवरऑल एवरेज स्पीड। ये चीजें आपको बताना है। क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो? कितना सिंपल है, फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल एक्सप्लेन माय आंसर। ओके ट्राई नाउ। चलिए, पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं भाई? इन वेलोसिटी टाइम डायग्राम हाउ यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? इट इज द एरिया अंडर द डायग्राम, है कि नहीं? अच्छा, पूछा है कितने समय में डिस्प्लेसमेंट चाहिए? मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिट नंबर 1, बिट नंबर 1 का आंसर हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकंड्स, मतलब 8 सेकंड तक, यहाँ तक। तो आंसर क्या लिखेंगे? दिस एरिया, है कि नहीं? तो क्या हो गया आंसर? 80 मीटर। हो गया सबका? यस। फिर पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 12 सेकंड्स, मतलब यहाँ तक। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ का एरिया तो पॉजिटिव है जबकि यहाँ का एरिया नेगेटिव है क्योंकि बिलो टाइम एक्सिस है। तो क्या लिखेंगे? a1 - a2। तो ये था 80, 10 × 8, और ये था कितना? 4 × 4, 16। कितना हो गया? 64 मीटर। क्या बात समझ में आया? फिर पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन 12 सेकंड्स, क्या कोई बताएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड? डिस्टेंस होता है a1 + a2, है कि नहीं? इट इज 80 + 16, दैट इज 96 मीटर। बिट नंबर 4, पूछा है ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 12 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट 64। तो एवरेज वेलोसिटी इज 64 बाय टोटल टाइम कितना था? 12, है ना? तो ये हो गया 6 और ये हो गया 32। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज स्पीड तो क्या कोई बताएगा? टोटल डिस्टेंस क्या था? 96 यू आर करेक्ट। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था, जो डिस्टेंस मूव था, इट वाज 96 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 96 बाय 12 इज 8 मीटर पर सेकेंड। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम से हम काफी कुछ चीजें निकाल सकते हैं। तो इतने सारे नोट पॉइंट नंबर 4 तक देख चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्चुअल थिंग है जिसको आपको याद रखना है। वो है कि वेलोसिटी अगर कोई बॉडी का वी है,
उसको बदलना है, V1 से बदलना है, हां V2 में बदलना है। कैसे बदलते हैं? व्हाट इज द इक्वेशन इन्वॉल्विंग? यू नो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A इनटू T। ये फार्मूला आपको आता है, V इज इक्वल टू प्लस T वाला फार्मूला। इसका मतलब वेलोसिटी को V1 से V2 बदलने के लिए क्या टाइम लगता है? V2 - V1 / A। अच्छा, वेलोसिटी को बदलने के लिए पार्टिकल का एक्सीलरेशन होना जरूरी है, मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, है ना? इसका मतलब क्या है? देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ टी, टी कैन नॉट बी जीरो। कहने का मतलब है वेलोसिटी को v1 से v2 में हम सडनली नहीं बदल सकते, इट विल ऑलवेज टेक सम टाइम, है कि नहीं? कहने का मतलब है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हम कहेंगे वेलोसिटी ऐसे था, सडनली ऐसे हो गया, अरे सडनली आप ये वेलोसिटी में कैसे आ जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो मतलब डायग्राम कैसे होना चाहिए? डायग्राम ऐसे होना चाहिए, कुछ समय लगा, यहां से यहां तक का समय लगा उसको ये वैल्यू में आने के लिए, डायग्राम कुछ ऐसा होना जरूरी है कि नहीं? दिस वे यू विल सी, यस, ये समय पे ये वेलोसिटी था, ये समय पे ये वेलोसिटी था, इतना टाइम लगा उसको वेलोसिटी को बदलने के लिए। तो ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम में सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्या? लेकिन सोचो, सोचो कि यहाँ पर जो टाइम लिखा है वो लिखा है मिनट्स में, और वेलोसिटी को इस वैल्यू से इस वैल्यू में आने के लिए लगा 0.01 सेकंड। तो मिनट की स्केल में 0.1 सेकंड को दिखा सकते हो क्या? 0.01 सेकंड को दिखा सकते हो? बहुत ही छोटा हो जाएगा, लगेगा कैसे? ऑलमोस्ट वर्टिकल है। तो हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग ले लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes. 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 तो क्या लिखेंगे? इन वेलोसिटी टाइम डायग्राम सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है तो आप कहोगे गलत है, ये भी है ये टी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है तो ये कहोगे सही है, क्योंकि इस वैल्यू से इस वैल्यू में आने के लिए कुछ समय लगा है। हाँ, अगर ये समय काफी छोटा है तो लगेगा कि ऑलमोस्ट वर्टिकल है, है ना? ये लाइन इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, जबकि प्रैक्टिकली ऐसे होना मुमकिन नहीं है। क्यों बता रहे? वो आपको एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे बताओ ऐसा वेलोसिटी टाइम डायग्राम हो सकता है क्या? बोले नहीं, ऐसा बता दिया नहीं हो सकता, क्योंकि सडनली मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड कैन नॉट सडनली चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर वैल्यू। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस। लास्टली क्या बताना चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि व्हाट इज स्पीड टाइम डायग्राम। नाउ आई वांट टू से अबाउट स्पीड टाइम डायग्राम क्या है। लास्ट पॉइंट है स्पीड टाइम डायग्राम। आप जानते हो जो स्पीड है वो क्या है? इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या स्पीड कभी किसी बॉडी का नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। वेलोसिटी नेगेटिव होता है। ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद -10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब वेस्ट विद 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब वो -10 मीटर पर सेकंड में ईस्ट की तरफ जा रहा था तब उसका स्पीड कितना था? 10 मीटर पर सेकंड था, है कि नहीं? तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमें याद रखना है कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड के बारे में अगर हम ध्यान दें कि सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, सपोज दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम, और मैं ड्रॉ करना चाहता हूं स्पीड टाइम डायग्राम। तो जब वेलोसिटी था 10 तब स्पीड था 10, वेलोसिटी बढ़ रहा था स्पीड बढ़ रहा था, वेलोसिटी घटने लगा स्पीड घटने लगा, वेलोसिटी जीरो हो गया स्पीड जीरो हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। लेकिन स्पीड नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता।
तो ये दूरी हुआ तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा। आर यू गेटिंग, मतलब जो ये पार्ट था नेगेटिव पार्ट उसको इन्वर्ट कर देना। दिस इज गिविंग यू स्पीड वर्सेस टाइम डायग्राम। समझ में आया क्या? तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम से स्पीड टाइम डायग्राम ड्रॉ करना बहुत आसान है। अच्छा बताओ तो अगर आप लोगों को इतना बढ़िया समझ में आ रहा है थ्रू द टीयर ऑल गुड चिल्ड्रन कैसे बताओ? अगर हम कहेंगे ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, और व्हाट डज A1 प्लस A2 रिप्रेजेंट? डिस्टेंस। नो नो डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्टेंस है कि नहीं? यस यस यस, ये हो गया डिस्टेंस। नहीं, क्या हम स्पीड टाइम डायग्राम से डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते। नहीं, स्पीड टाइम डायग्राम से डिस्टेंस पता डिस्प्लेसमेंट पता नहीं कर सकते। क्या वेलोसिटी टाइम डायग्राम से डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं? हाँ। क्या वेलोसिटी टाइम डायग्राम से डिस्टेंस पता कर सकते हैं? हाँ। लेकिन स्पीड टाइम डायग्राम से सिर्फ डिस्टेंस है ना, हमें मालूम नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे था, कौन सा हिस्सा नीचे था, मालूम नहीं, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं कर सकते। तो इसी के साथ वेलोसिटी टाइम डायग्राम का थ्योरी खत्म होता है। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करें। देखिए ये सब बढ़िया क्वेश्चन है आपको फंडामेंटल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, टू सेव टाइम, वीडियो का डाटा कम हो जाएगा, तो लिखने में डाटा लंबा हो जाता है तो बच्चों को आसान रहेगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकंड्स। अच्छा पहले बताओ, मैं सॉल्यूशन लिखना चाहता हूँ, इनको समझ में आता है वो पहले बताएंगे कि एक्सीलरेशन 3 सेकंड में ज्यादा है कि 2 सेकंड में ज्यादा है। व्हेन द एक्सीलरेशन इज मोर, 3 सेकंड में इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा कि 2 सेकंड में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन मतलब इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, मतलब हर वक्त बराबर है नहीं? तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन यू नो इज द स्लोप, और स्लोप कितना होगा इस लाइन का? 3 सेकंड में कहो, 4 सेकंड में कहो, यस यस यस, 3 सेकंड में कहो, 4 सेकंड में कहो, क्या फर्क पड़ता है? 1/√3, सॉरी 1/√3 मीटर पर सेकंड। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए पहला चीज बन गया। दूसरा इसको देखते हैं, पूछा है एक्सीलरेशन बताओ कब t = 3 सेकंड में। अब बताओ t = 3 सेकंड में एक्सीलरेशन ज्यादा है कि 2 सेकंड में एक्सीलरेशन ज्यादा है? क्योंकि इसे स्ट्रेट लाइन, इसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, एक्सीलरेशन हैज़ टू बी कांस्टेंट। तो फिर एक्सीलरेशन निकाल रहा है, कैसे निकालते हैं भाई? स्लोप निकालते हैं, ये टान थीटा है नहीं? तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टान थीटा। क्या कोई मेरा मदद कर सकता है? टान थीटा कितना होगा? टान थीटा कितना होगा? थीटा तो दिया नहीं है, थीटा तो दिया नहीं है, टान थीटा कितना होगा? चलिए पता करते हैं। टान थीटा पता करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि टान थीटा होता है पी बाई पी, ये थीटा है तो ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 4 माइनस 2 और नीचे कितना है? 4। इज इट नॉट हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस बन गया, एक्सीलरेशन इज हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोशिश करो समझने की मेरे भाई। तीसरी वाली में पूछा है एक्सीलरेशन, लेकिन ये एक्सीलरेशन है क्या? नहीं, तो वेलोसिटी घट रहा है, इट्स ए रिटार्डेशन, इट्स ए प्योर केस ऑफ रिटार्डेशन, कोई सब की गुंजाइश नहीं है, ये प्योर केस ऑफ रिटार्डेशन है। अच्छा थोड़ा इसको लेके यहाँ पे रख देता हूँ, जगह बच जाएगा। यस थोड़ा सा जगह बनाना है, ये हो गया। अब सी के केस में रिटार्डेशन है लेकिन पूछा है एक्सीलरेशन, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव लिखेंगे। अच्छा नेगेटिव लिखेंगे तो चलो पहले देख लेते हैं क्या है, क्या है ये टान थीटा? तो एक्सीलरेशन इज स्लोप, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? ऐसा स्लोप होने से नेगेटिव होता है। कितना आएगा? -8/6 इज नॉट इट, -4/3 मीटर पर सेकंड। क्या ये तीनों केस आपको ठीक ठाक समझ में आया? श्योर? यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन है, देखिए कोई पार्टिकल चलना शुरू किया और चला भी तो कैसे?
शुरू में रेट से शुरू किया और मूव किया कांस्टेंट एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। फिर कुछ दूर समय के बाद 3 सेकंड के बाद वो क्या किया, फिर रिटार्डेशन में चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं पूछा है इनमें से कौन सा डायग्राम सही डायग्राम है, थर्ड। सोचो थोड़ा, सोचो कि कौन सा डायग्राम सही होगा। अच्छा एक्सीलरेशन था 4, रिटार्डेशन था 2, तो स्लोप किसका ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन टाइम का कि रिटार्डेशन टाइम का? एक्सीलरेशन का स्लोप ज्यादा होगा। यहाँ पर तो दोनों बराबर एंगल दिख रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पर दोनों बराबर एंगल दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं। यहाँ पर तो एक्सीलरेशन टाइम का एंगल छोटा दिख रहा है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है, तो ये एक्सीलरेशन कम है रिटार्डेशन ज्यादा है, जबकि इसमें ये एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है कि नहीं? तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन ज्यादा है रिटार्डेशन कम है। तो सही फिगर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. सही फिगर कौन सा होगा, समझ में आया? Yes. सही फिगर हो गया सी, बिकॉज स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन इज मोर, स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन इज मोर। क्या एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, एक्सीलरेशन थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, एक्सीलरेशन इज मोर देन रिटार्डेशन। समझ में आया क्या? फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी, चलिए थोड़ा मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं। बीट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, बीट नंबर 2 में दिया यह बीट बी में, सॉरी ये बीट बी था, बीट बी में दिया है। हम अभी अभी देख चुके हैं कि जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम था वो दिखने में ऐसा था, नहीं? और ये क्या इसमें बता सकते हो कि ये जो टाइम था वेलोसिटी मैक्सिमम था, कौन सा समय पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा? एट द एंड ऑफ एक्सीलरेशन पीरियड, यस दिस मस्ट बी 3 सेकेंड। एक्सीलरेट किया है तभी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उसका बाद तो रिटार्डेशन हुआ वेलोसिटी घटने लगा, सो एक्सीलरेशन वाज वेलोसिटी वाज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू 3। अच्छा ये जो एक्सीलरेशन है इसका स्लोप कितना है, स्लोप है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्लोप कितना है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन था, एक्सीलरेशन था -2। अच्छा पूछा क्या, पूछा क्या व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है मालूम नहीं, लेट मैक्सिमम वेलोसिटी इज v0, दिस अकर्स और दिस हैपेंस कब, कितने समय पे, दिस हैपेंस हैपेंस एट टी इक्वल टू 3 सेकंड्स। क्या सबको समझ में आया है? तो पूछा है v0, v0 बताओ ना क्या बड़ी चीज है, तो आप क्या कहोगे, स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, एंड यू नो स्लोप इज tan थीटा, tan थीटा होता है v0 by 3 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, दिया है 4, मतलब v0 कितना है भैया 12 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आया, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाए। अरे दिया है ऑलरेडी एक्सीलरेशन इज 4, 3 सेकेंड के लिए गया, तो हम कहेंगे दिस बाय दिस इज इक्वल टू 4, ये कितना है v0, ये कितना है 3, तो v0 बाय 3 इज इक्वल टू 4, तो v0 कितना हो गया 12। समझ में आया क्या, ये डिस्टेंस है क्या, ये हाइट, दिस हाइट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी और ये टाइम कितना हो गया v0 by 3, ठीक है। ये क्या डिस्टेंस दे रहा है, कितना दूर गया, ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, एवरी पॉइंट ऑन इट गिव्स यू द वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम टी, है कि नहीं? कोई पूछेगा ये टाइम में क्या वेलोसिटी था, तो बढ़ाओ उसको, देखो ये वेलोसिटी था, है कि नहीं? सो हाइट बाय 3 और 4 कैसे हुआ, हाइट कितना v0, ये कितना है 3, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, v0 बाय 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन का स्लोप tan थीटा,
टैन थीटा क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो दिया है ऑलरेडी 4 वोल्ट के इसका। सो v0 / 3 इज 4, v0 हो गया 12 मीटर पर सेकंड। फिर क्या पूछा है बिट नंबर 3 में? फाइंड द टोटल टाइम ऑफ मोशन। अच्छा हां देखो कोई बोल दिया देखो टोटल टाइम ऑफ मोशन पूछा है, दिया है कि यहां तक 3 सेकंड है, ये टाइम कितने मिल जाएगा काम बन जाएगा, ये टाइम कितना है क्या मालूम कितना है, कॉल इट टी डैश। टी डैश इज द टाइम। थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, चलो मानते हैं कि यहां से यहां तक का टाइम कितना है मालूम नहीं है, टी जीरो है। तो वी जीरो बाई टी जीरो क्या होता है? 2 है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? लेट रिटार्डेशन टाइम इज टी जीरो। सो वी जीरो बाई टी जीरो क्या हो जाएगा? वी जीरो बाई टी जीरो इज क्या है? 2 रिटार्डेशन है कि नहीं? अच्छा तो t0 का वैल्यू क्या आ गया? v0 / 2। v0 कितना था? 12 / 2 इज मनीषपति सोमिकपति। बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया है। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 12 / 2 इज 6 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन पूछा था, कितना हो गया टोटल टाइम ऑफ मोशन? कितना हो गया? 3 सेकंड का एक्सीलरेशन किया था, 6 सेकंड का रिटार्डेशन किया, तो हो गया 9 सेकंड। क्या बात, सबको समझ में आया है ना? ठीक। क्या पूछा है फिर? अगला चीज पूछा है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट को निकालना सबको आता है, कैसे निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट? द एरिया अंडर द डायग्राम। चलिए निकालते यस। तो हम कहेंगे डी में टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम इज इक्वल टू हाफ बेस। बेस का टाइमिंग लेंथ कितना है? 9। हाफ बेस हाइट कितना है? वी जीरो। दैट इज कितना था वी जीरो? 12। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 54 मीटर स्क्वायर। इट इज 54 मीटर। अरे मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, वो एरिया का मैग्नीट्यूड के बराबर है ना? जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा? 54 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी ये निकालना तो सबको आता है, कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम है? हाँ मालूम है। क्या आपको टोटल टाइम मालूम है? हाँ मालूम है। कितना हो गया ये? 6 मीटर पर सेकंड। क्या सबको समझ में आया? सो द एवरेज वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड है ना? नेक्स्ट इन फिगर शोन, फिगर इज ऑलरेडी शोन, एट व्हाट टाइम पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन कब रिवर्स करेगा? सोचो कि एक डायरेक्शन में जा रहा था, उल्टा जाने लगेगा। एक डायरेक्शन में जा रहा था उसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे उल्टा जाएगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब उसका वेलोसिटी कब पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलेगा, है ना? वेलोसिटी चेंजेस इट्स साइन। कब बदल रहा है देखो, तो वेलोसिटी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया कब? 6 सेकंड में। तो क्या लिखेंगे आंसर? बिट ए में लिखेंगे व्हेन पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन द वेलोसिटी changes its sign। That is from positive to negative or negative to positive, जो भी हो। So it happens at t equal to 6 seconds।
इट हैपेंस एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। हाँ ये आसान था, हर कोई बता देगा। बीट नंबर टू, व्हाट वाज इनिशियल एक्सीलरेशन, द इनिशियल एक्सीलरेशन, द इनिशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल स्लोप इज इक्वल टू, क्या है स्लोप, टान थीटा, कितना है टान थीटा बताओ। दिस इज दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, ये लेंथ कितना है 10, ये 6, सो यू से इट इज 10 बाय 6 एंड दैट इज 5 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? यस। नंबर बीट नंबर सी, आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल रीचेस बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर व्हाट टाइम, फिगर को देखिए, कितनी समय के बाद ये पार्टिकल अपना स्टार्टिंग पॉइंट में वापस जाएगा, ऐसे पूछा गया। आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल रिवर्सेस द डायरेक्शन, आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल रीचेस बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, वापस आएगा। थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है और आप लोग पक्का बना दोगे इसको। देखो पहले क्या हुआ, इस मोशन का एनालिसिस करो, वेलोसिटी बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, 6 सेकंड में उल्टा चलने लगा, अभी जा रहा था फिर उल्टा आने लगेगा, तो कुछ समय बाद वापस नहीं पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कोई पार्टिकल जा रहा था रिवर्स किया वापस आया, जब स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचेगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो पूछा है कब स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचेगा, मतलब कब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है कि नहीं। चलो मानते हैं लेट इट रीचेस बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट एट t equal to t, at this time displacement is zero, है ना। तो t second बाद starting point में वापस आया, चलो मानते हैं कि t second यहां पे है ना, कहीं तो होगा, ये समय पे वो वापस पहुंचा, मतलब क्या है, मतलब तो सिंपल है, मतलब इतनी समय तक उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, a1 प्लस a2 कि a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 जीरो होगा, है कि नहीं, a1 माइनस a2 जीरो होगा। तो सोचो कि ये a1 है ये a2 है, तो सो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू जीरो। A1 कितना है? A1 इज दिस एरिया। कोई बताएगा क्या ये एरिया कितना है? यस हाफ, 10 इनटू 6 माइनस A2 कितना होगा? A2 अरे रुको पहले बताओ ये डिस्टेंस, ये टाइम कितना है? यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक t, तो ये हो गया ना t माइनस 6। हुआ कि नहीं हुआ? t माइनस 6 हुआ, सो इट इज t माइनस 6 इनटू ये कितना है 4, that should be equal to 0। क्या यहां से हम t नहीं निकाल सकते? yes, this is coming out to be 30 और ये हो गया minus t 40, ये 24 आ गया इधर, so 6 6 by 4 6 by 4 मतलब क्या है 3 by 2, तो गड़बड़ हो गया calculation में, हाँ गड़बड़ हो गया। देखो तो 30 simplify करें इसको, this minus this is equal to 0, 4 क्यों करेंगे फिर, हाँ वही तो देख रहे हैं 24 की है, हाँ 40 is equal to this, तो ये हो गया 30, लिखते हैं इसको 30 minus 40 plus 24 is equal to 0, मतलब t is equal to 40, t बड़ा वाला t plus 24 is equal to 0, तो t का वैल्यू कितना हो गया 54 by 4, that is equal to 27 by 2 is 13.5 seconds। समझ में आया क्या, कौन सा समय पे वो वापस पहुंचेगा अपनी जगह,
t इक्वल टू 13.5 सेकेंड्स। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? यस सर। पास हुआ कि फेल हुआ? सर फुल सर। फुल मार्क, अच्छा ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब पूछा है नेक्स्ट बिट में क्या पूछा है? व्हाट इज एवरेज स्पीड व्हेन इट रीचेस बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। पूछा है एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या आपको बता सकते हो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन टर्म्स ऑफ ए1 एंड ए2? टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज ए1 प्लस ए2। एआर निकालो, ए2 निकालो, जोड़ो, डिवाइड करो किसमें? टाइम में। टाइम तो मालूम, हाँ तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। यस यस, वो बात सही है। बस तो हम कहेंगे निकालना है एवरेज स्पीड बीडी में। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? ए वन प्लस ए टू। और टोटल टाइम क्या हो गया? टी। अच्छा ए वन ए टू क्या था भाई? ए वन ए टू था, ये 30 था, ए टू भी 30 था, इसलिए तो जीरो हुआ। सो इट इज इक्वल टू 30 प्लस 30 बाय टाइम। टाइम कितना था? 13.5। सो इट इज 60 बाय 13.5, that is 27 by 2, it is 120 by 27, और इसको 3 में करो तो 40 by 9, so it is 4.4444 meter per second. Sir, 4.4 bar. क्या समझ में आया? क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, इजी थे, कि समझने के लायक थे, कि आपकी बस से बाहर थे? नहीं, सब आपके लेवल के थे। थोड़ा आपको ध्यान लगाना था, पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता ही है, yes. है ना? बाद में इजी नहीं हो जाता, आदत पड़ जाता। नहीं कोई कोई आदमी गया किसी ज्योतिषी के पास, बोला मेरा कैसा चल रहा है बताओ हॉरोस्कोप थोड़ा। बोला कि पहला अभी तुम्हारा 10 साल जो है शनि की दशा है, बहुत शनि की दशा 10 साल, सब कैसे होगा बताइए। बोला पहला 3 साल बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, तो उसके बाद क्या थोड़ा राहत मिलेगा? नहीं, आदत पड़ जाएगा, बाकी 7 साल इस आदत से निकल जाएगा, है ना? Let us see this question. Consider the VT diagram shown in figure. हो गया, ये हो गया VT diagram. क्या दिया है? ये पहले particle, अगर हम कोई कहेगा describe the motion of the particle shown in this diagram, तो आप क्या कहोगे? The particle starts from rest or velocity. Rest, initial velocity 0 था. The particle starts from rest, moves with constant acceleration for how much time? 4 seconds. Then it moves with constant velocity for up to 6 seconds. And then it undergoes constant retardation till it stops. ये था description of motion. है कि नहीं? अब values बता रहा है. Initial acceleration, solution बनाते हैं. Solution बनाएंगे. इनिशियली एक्सीलरेशन बताओ, यहाँ पे एक्सीलरेशन ज्यादा था कि यहाँ पे एक्सीलरेशन ज्यादा था? सर दोनों जगह सेम था। सेम था भाई, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। बिट नंबर ए का आंसर ही बिट नंबर ए है। अच्छा, ए का आंसर बन गया, सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन में देख लिए हम लोग कि ए का आंसर बन गया स्लो कितना है? टान थीटा 10/4 10/4 is 2.5 meter per second square. क्या सबको समझ में आया? Yes sir. Yes. Then distance moved during acceleration. कौन सा एरिया? ये वाला एरिया है कि नहीं? ये एरिया पता करना है। Distance moved during acceleration is equal to, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे? ये ट्रायंगल है, बेस है 4, हाइट है 10, हो गया 20 मीटर। द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग एक्सीलरेशन इज 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर तब होते हैं जब पार्टिकल का डायरेक्शन बराबर रहता है। तो यहाँ पर पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है।
तो डिस्प्लेसमेंट जितना होगा डिस्टेंस उतना ही होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज को ध्यान में रखना, इतना सारा चीज तो हम लोग पहले से पढ़े। अच्छा, सी में पूछा है डिस्टेंस मूव्ड व्हेन एक्सीलरेशन वाज जीरो, जब उसका एक्सीलरेशन जीरो था तब कितना दूर गया था? एक्सीलरेशन जीरो कितने समय में था? आई विल टेक दिस फिगर समवेयर हियर, थोड़ा सा ले लेते हैं। ये कहां है? ये फिगर को थोड़ा अपनी जगह ले लेते हैं। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, जीरो भाग गया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि बिट नंबर फोर कैसे सॉल्व किया जाए। बिट नंबर थ्री, डिस्टेंस मूव्ड व्हेन द एक्सीलरेशन वाज जीरो, बिट सी में पूछा है, क्या बता सकते हो एक्सीलरेशन वाज जीरो फ्रॉम कितने समय से कितने समय तक? ईच को लो कितने से कितने समय तक एक्सीलरेशन जीरो था? यस, जब एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं? एक्सीलरेशन वाज जीरो फ्रॉम t = 4 टू t = 6, t = 4 सेकंड टू t = 6 सेकंड, यही तो पकड़ना था। डिस्टेंस मूव्ड इन दिस पीरियड कितना होगा भाई? ये पीरियड में कितना डिस्टेंस जाएगा? जितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीरियड में डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदला है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट, कोई पार्टिकल एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदला है। जब वो आके यहां पे पहुंचेगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है कि डिस्टेंस ज्यादा है? सेम है, वही तो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं और डिस्टेंस पूछा है वही बता देता हूं। हां, तो हम कहेंगे डिस्टेंस मूव्ड इन दिस पीरियड इज, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस पता करना है। ये कितना है एरिया? इट इज 6 माइनस 4 इनटू 10, 20 मीटर। क्या सबको समझ में आया? Yes. फिर बिट नंबर डी में कुछ पूछा है जो काफी लोगों का कंफ्यूजन था, फाइंड रिटार्डेशन एंड डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन। क्या था रिटार्डेशन? डी में देखें तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यू नो इज द नेगेटिव एक्सीलरेशन, कहां पे हो रहा था? सर 12 के फ्रॉम 6 से 12, रिटार्डेशन इज फ्रॉम t = 6 सेकंड टू t = 12 सेकंड। और क्या है रिटार्डेशन? रिटार्डेशन लिखते वक्त माइनस लिखेंगे क्या? नहीं, एक्सीलरेशन लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, रिटार्डेशन लिखेंगे तो ऑलरेडी नेगेटिव एक्सीलरेशन है। हां, तो कितना है स्लोप? स्लोप कितना होता है? tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, है ना? कितना है? दिस बाय दिस, अरे दिस बाय दिस कितना होगा? 10 बाय 6 इज नॉट 8, 5 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन होता है स्लोप, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव स्लोप, बात एक ही है। इट इज नथिंग बट इक्वल टू नेगेटिव स्लोप, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 बाय 3। समझ में आया क्या? एंड डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू एरिया अंडर द डायग्राम, सर हाफ 10 इनटू 6, इट इज हाफ वे हाइट इनटू बेस, 10 इनटू 6 इज इक्वल टू 30 मीटर। क्या ये सारा बीट आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया? पूरा आ गया, बढ़िया। इसका मतलब मैं अच्छा समझाता हूँ कि तुम लोग समझदार हैं। कोई बोला मैं समझदार हूँ सर, नहीं तो मेरे को कोई भी पढ़ाता मैं समझ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अपने अपने कॉन्फिडेंस है। मन ही मन में कुछ लोग बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, बीट ई क्या पूछा है? ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी पूछा था, ये निकालना है और ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालना है। पहले तो पता करें कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड होते क्या है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साथ कब बराबर होता है, जब डायरेक्शनल मोशन कांस्टेंट है। ये पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन क्या कभी वेलोसिटी का साइन चेंज किया है? नहीं, हरदम पॉजिटिव वेलोसिटी था, मतलब डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया। डायरेक्शन बदलाव नहीं आया तो डिस्टेंस ज्यादा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा गया है? सेम गया है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? यस। तो हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों को एक बार में निपट लेंगे, ई और एफ दोनों को निपट लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल एरिया बाय टोटल टाइम, टोटल एरिया बाय टोटल टाइम, टोटल एरिया बाय टोटल टाइम, टोटल एरिया। अरे दिस जोड़ दो, ये पहला वाला कितना है? पहला वाला कितना था एरिया? हाँ तो निकाल सकते हैं, लिख देते हैं। हाँ ये 4 × 10 हाँ ठीक है, प्लस दूसरा वाला 10 × 2 नहीं, तीसरा वाला अभी निकाले, हाँ 10 × 6 बाय टोटल टाइम क्या लिखें? सर 12 टोटल टाइम, टोटल टाइम था 12 सेकंड का। ये ऊपर वाला कितना हुआ 20, ये हो गया 40 प्लस 30 70 बाय 12 है ना, 70 बाय 12 तो आंसर बन गया 70 बाय 12 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर थे और कितना था 70 बाय 12 मीटर पर सेकेंड, 70 बाय 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपको समझ में आ गया? ठीक, दिस इज इक्वल टू 70 बाय 12। आप चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो 35 बाय 6। समझ में आया क्या? दिस मच मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आज की सभा यहाँ पे अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद सर।